सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। देश में कोरोना से लोग परेशान हैं। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों में भी हलचल देखने को मिल रही है। राजस्थान में सियासी संकट की लोगों को जानकारी होगी, जहां सचिन पायलट समेत पार्टी के 19 विधायक कांग्रेस से बागी हो गए, जिसके बाद राजस्थान सरकार के सामने खतरे की घंटी बजने लगी। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उनके पास समर्थन हासिल है। वहीं कांग्रेस के बाद अब बीजेपी में भी नेताओं के बीच नाराजगी देखने को मिल रही है। बात करते हैं मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा लॉकडाउन की मांग करने की तारीफ कर डाली। जबकि बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय से उम्मीद लगाई थी कि वो बंगाल में ममता बनर्जी की गलत नीतियों के खिलाफ सवाल खड़े करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता माने जाते हैं। एक तरफ बीजेपी ममता बनर्जी के खिलाफ है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता उनकी तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ने रविवार को लॉकडाउन की मांग की थी, जिसके बाद बीजेपी नेता ने तारीफ की। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव का बयान हर जगह फैल चुका है। मध्य प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों में 27 सीटों के लिए उपचुनाव होने को हैं और बीजेपी नेता भी तैयारी में जुटे हैं, लेकिन पार्टी में नेताओं के बीच नाराजगी देखी जा रही है। वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा के यहाँ कुछ सीनियर भाजपाइयों ने पार्टी की वर्तमान रीति नीति पर सवाल उठाए थे। शर्मा के निवास पर पूर्व विधायक रमेश शर्मा, गुड्डू भैया, शैलेंद्र प्रधान, पुराने और सत्यनिष्ठा भाजपाई माने जाने वाले युवा नेतृत्व धीरज पटेरिया जुटे। इस मीटिंग में वीडियो के जरिए पूर्व सांसद अनूप मिश्रा और पूर्व मंत्री दीपक जोशी भी शामिल हुए। इस बैठक से पता चलता है कि पार्टी में आपसी संपर्क की कमी है और सामूहिक रूप से लिए जाने वाले फैसले पर्सनल हो गए हैं। इसके अलावा मीडिया में चर्चा के दौरान बीजेपी नेता जैसे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने भी कई मुद्दों पर अपनी बात बेबाकी से रखी। उनकी नाराजगी को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने सब कुछ ठीक होने की बात कही, लेकिन इसके साथ ही बार बार इस तरह के उकसाने वाले सवाल नहीं पूछने को कहा। इन बातों से साफ पता चलता है कि पार्टी में नेताओं के बीच नाराजगी है। पार्टी के बड़े नेता जैसे सुब्रमण्यम स्वामी तो प्रधानमंत्री पर ही सवाल खड़े करने लगते हैं। हाल ही की बात है जब उन्होंने नरेंद्र मोदी का राम मंदिर में कोई भी योगदान नहीं होने का आरोप लगाया। इसके अलावा नई शिक्षा नीति में कुछ विषयों को लेकर भी सवाल उठाए और प्रधानमंत्री को उनके वादे के बारे में याद दिलाया। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी ₹140 प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां, अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।